मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। तारा बाबा ने कहा था कि फौरन घर बदल लो तो किस्मत भी बदल जाएगी। बस अब घर तो बदल लिया, तुम अल्लाह से दुआ करो कि हमारा कारोबार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। नहीं नहीं भाई नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए। भाई सारे पैसे तुम्हें दे दिए तो मैं क्या करूंगा? भाई इतने कमीशन खा खा के हट्टा कट्टा मोटा होता चला जा रहा है, अबे जो जिससे बेचा है वो कमीशन नहीं देगा क्या? अच्छा तो तुम्हारा क्या ताल्लुक उनसे? खरीदने वाली पार्टी से तो है ना, है? और एक बात याद रख, ये सारी पार्टियां तेरा भाई घेर के लाता है, जब तक बनाने वाला नहीं होगा डील कैसे बनेगी? अरे तारा भाई थोड़ा ख्याल कर लो, इस डील में रहने दो, अगली दफा कर लेंगे। अच्छा चल ठीक है, इस दफा तो कर लेता हूँ, और हाँ जो डील हुई है ना वो पूरे पैसे चाहिए मुझे। यार तू भी ऐसे जान नहीं छोड़े हुए यार, ये लो जान छोड़ो। जान छोड़ो? लड्डू जी मैं भी। जल्दी से मेरी गाड़ी निकालो, मुझे एयरपोर्ट जाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करो। अभी यहाँ पानी डालो, कभी वहां पानी डालो, कभी गाड़ी निकालो, कभी सोना डालो, कुछ कुछ करते रहो। क्या किया मेरी गाड़ी? यार इंसानियत की कोई चीज होती है, एक तो बाहर के गला गाड़ी का प्रेम मारे मारे इंसानियत के बच्चे, अपनी बाइक से तूने मेरी इतनी महंगी गाड़ी ठोक दी, मेरा क्या होगा? हाँ, बदमाशी दिखाते हो? मैं बदमाशी दिखा रहा हूँ? मैं मेरे उल्टे हाथ ही काफी है तुम दोनों की तबीयत साफ करने के लिए। अभी देखो तो मैं बताता हूँ। चाड़ूगा भाई, देख लूंगा वाला मेरे को। लग गई गाड़ी को भी, लग गई लड्डू को भी, लग गई छोड़ूंगा नहीं। हमारा लड्डू को, अरे तुम्हारा लड्डू पिचका दिया है ना ने सुसर जी, लड्डू पिचक गया सुसर जी, बहुत मारा कूट डाला, लड्डू पिचका दिया, अरे तेरा लड्डू पिचक गया सुसर जी। लड्डू ओ लड्डू, लड्डू सारा दो, लड्डू पिचक गया। अबे लड्डू तो पिचक गया, बिखर गया। अबे लगता है किसी ने बड़ी रच के धुलाई की है। अरे सुसर जी मैं तो गाड़ी निकाल रहा था बाहर, अचानक से पीछे से आकर घुस गए, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ तेरी कभी कोई गलती नहीं होती भाई। अबे ये क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांगना शुरू कर दिए तूने। हाँ वो तो मैंने मार मार के उनका हुलिया बिगाड़ दिया। हाँ बहुत मारा। हाँ 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 लग रहा है कि तूने बहुत मारा है उन्हें। हाँ अच्छा ये बता, ये गाड़ी वाली बात बेगम साहिबा को बता दी तूने कि नहीं? अम्मी जी को? हाँ नहीं सुसर जी। हाँ आज का तो दिन ही बुरा है, सुबह सुबह गाड़ी टूट गई, उसके बाद मेरी कुट चढ़ गई। अरे बगैर मम्मी जी को बता दिया ना तो कयामत आ जाएगी। इसका मतलब है कयामत ने अभी आना है। अबे पता तो चलेगा ना इसको। हाँ एक आइडिया है। हाँ गाड़ी लगी है पीछे से, जब तक मम्मी जी को पता चलेगा उन्हें लगेगा किसी और ने मारी है। किसी और ने मारी? अबे ये तुम मम्मी के बारे में क्या? हाँ। अबे उसे तो जमीन के अंदर तक का पता है यार। मामा
गुलाम हनी देखो कौन आया है। जॉनी जॉनी। यस आंटी। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू आंटी। हेलो जुनेद, कैसे हो तुम? हेलो हनी स्वीटहार्ट, कितनी बदल गई हो तुम। बदल तो तुम भी गए हो। अरे वाह, अमेरिका जाके तो बड़े रंगीन हो गए तुम। वेल पीपल इन अमेरिका कॉल मी जॉनी। अब अच्छा ठीक है, फिर एक काम करेंगे, हम सब तुम्हें आज से जॉनी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनेद बेटा। नहीं नहीं, जॉनी बेटा। वालेकुम अस्सलाम अंकल, आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही। बाय द वे आंटी, वो आपका घर दामाद कहीं नहीं देख रहा, डड्डू। ओ हेलो, डड्डू नहीं लड्डू, अब मैं यही हूँ। ओके व्हाटएवर। अब खैर हनी, मैंने तुम्हें अमेरिका में बहुत मिस किया, और तुम्हें याद है जब हम छुपन छुपाई खेला करते थे और हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाता था, है ना? अब हाँ, वो सब तो छोड़ो। अच्छा तुम्हें वो याद है, एक मर्तबा हम दोनों पार्क गए और तुम्हारे पीछे कुत्ते लग गए थे। अब हाँ याद है, मगर उसके बाद तुमने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी और वो भी अपने हाथों से, याद है ना? अब वहाँ खिलाई थी, खिलाई थी। अरे क्या यहाँ ही बैठे बैठे सारी बातें कर लोगे? आओ ना अंदर चलो, वहाँ बैठ के बातें करेंगे। आंटी चले। आओ आओ, प्लीज कम कम। बात पूछूं? धोने वाले बर्तन वो रखे हुए? वो तो मैं जानता हूँ। ये जो जॉनी और हनी इस तरह से मिल रहे हैं, क्या वाकई बचपन से इस तरह से मिलते हैं? अरे यार बचपन में तो ये हर वक्त साथ साथ खेलते थे। इसलिए इतना खुश होने वाली कौन सी बात? उदास होने वाली बात भी नहीं है ये। ये किसके लिए बना रहे हैं? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लाए पिलाए? हाँ पिलाता हूँ। मैंने देखा यार कि यार सुबह से जलील पे जलील होते चले जा रहे हो तुम, थक गए होगे जलील हो के, तो ये पियोगे जरा फ्रेश हो जाओगे। ओ भाई ये जॉनी के लिए बना रहा हूँ, अमेरिका से आया, अमेरिका से यहाँ तक आया, थक गया होगा, ये पिएगा फ्रेश हो जाएगा भाईजान, जरा एनर्जी आ जाएगी उसमें, समझे? हाँ, छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाय 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 हाय। हाय हाय हाय। ये लो। थैंक यू भाई। जॉनी के लिए वहां उसको दे के आओ। खुद ले जाएं आप, मैं नहीं जा रहा। मैं खुद लेके जाऊं? तुम लेके जाओगे, आर्डर है। लड्डू जल्दी से जॉनी के लिए लाया। बेगम लाया। जाओ जाओ ना, लाया। तुम भी ना बिल्कुल नहीं बदले। बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। और सुनाओ क्या हो रहा है? अब रख भी दो। जॉनी तुम्हें कुछ भी खाने को दिल करे ना, तुम लड्डू को बता देना। पता है इसे सब कुछ बनाना आता है। रहने दो, ये अपने नाम की तरह देसी लड्डू जैसा बना के खिलाएगा मैं। अब लड्डू तुम बताओ ना, तुम क्या बना के खिला सकते हो हमारे जॉनी को? हाँ मैं इसे कच्चे करेले खिलाऊंगा, इसे कच्ची सब्जी खिलाऊंगा, आलू दाल पकाऊंगा और पता नहीं क्या क्या पकाए, प्याज आलू भिंडी सब खिला दूंगा। सी सी आई टोल्ड यू हनी। अच्छा ये सब छोड़ो, एक काम करेंगे, हम आज बाहर चल के लंच करते हैं बस। यू मीन कॉन्टिनेंटल? अब हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें बचपन से ही कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है। क्यों भाई, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? कुछ लंच की आवाज आ रही थी मुझे। हाँ आंटी, हम लोग डिनर के लिए बाहर प्लान कर रहे थे, तो हनी ने मुझसे कहा कुछ कॉन्टिनेंटल चल के खा लें, आप भी चले ना हमारे साथ। अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूंगी जाके, ऐसा करो कि तुम और हनी दोनों चले जाओ। नहीं नहीं मम्मी जी, ये हनी और टॉमी के साथ किसी को तो बाहर जाना चाहिए ना। ओ हेलो, टॉमी नहीं जॉनी। जॉनी या टॉमी जो भी है, मम्मी जी किसी ना किसी को बाहर जाना चाहिए।
क्या मतलब है? हम कोई बच्चे हैं क्या जो हमारे साथ कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा तो हम खो जाएंगे? हम जाएंगे जाएंगे और जाएंगे बस। और लड्डू अपने नाम जैसे देसी ख्यालत अपने पास ही रखो। मम्मी जी मैंने कह दिया हनी इस टॉमी के साथ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। तू रोकेगा मुझे जाने से देसी लड्डू? मेरी हनी के साथ जाएगा तू देख तेरे साथ करता क्या? ये ले तू देख लड्डू! तू देख देख मम्मी जी मुझे मत रोक ना। तुमने पागल हो गए हो क्या? जी 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 मम्मी जी जी क्या हो गया तुम्हें? चलो ये शरबत उठाओ और लेकर जाओ, बल्कि ऐसा करो कि पी लो तुम, ऐश करो। कैसी बातें करते हो। अच्छा जॉनी तुमने अपनी फियांसी की पिक्चर नहीं दिखाई मुझे अभी तक। ओ सॉरी आंटी, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखे। दिखा। वैसे आंटी मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी होने वाली ब्राइड का वेडिंग ड्रेस मेरी सिस्टर चूज करे, और हनी के अलावा तो मेरी बहन कोई है ही नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे शॉपिंग पे लेके जा सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, चली जाना। ठीक है मगर एक बात ना बहुत गलत है, तुम शादी अमेरिका में कर रहे हो। क्या मतलब है? मतलब हम तो तुम्हारी शादी में आ ही नहीं सकेंगे ना। अरे तो इनवाइट करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो पहले हम जाएंगे अच्छे से खाना खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, फिर हम ये इसके लिए शॉपिंग करेंगे। बस डन हो गया। डन। हनी के दिल में घर करना है तो स्टाइल तो मानना पड़ेगा लड्डू बेटा, वरना ये जानी नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। न शक्ल न सूरत, सिर्फ बॉडी बना के आ गया अंबिका से और सबके सब अपनी जान निछावर कर रहे हैं उस पर। आज देखेगा ना मेरे स्टाइल को खुद भी हैरान हो जाएगा, और हनी हनी को पता चलेगा सिर्फ जॉनी नहीं उसका हस्बैंड भी स्टाइलिश है। अच्छा हाँ वैसे ये बात तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे। ये लड्डू है? मैं तो समझा कोई पागल घर में आ गया। तुम बिल्कुल पागल लग रहे हो। चलो से चलो चलो हम लेट हो रहे कल हो गया ये भी ना। चलो अबे वो खाना भाई। अरे अरे लड्डू, ए लड्डू, अरे लड्डू जल्दी पे आ, ये कौन आ गया? सुजन जी मैं यहाँ हूँ। मैं लड्डू। लड्डू? ला, अबे लड्डू, अबे ये क्या हुलिया बनाया तूने? हाँ वो फरंगी आपका यूएसए वाला जॉनी है, वो ऐसे कपड़े पहने तो आप लोग उसकी गोल गोल चक्कर लगाते हैं, मैंने पहन लिया तो क्या हो गया? हाँ अबे यही तो है, अबे अमेरिका वाले कुछ भी ना करे ना बहुत कुछ कर दिया भाई, और हम सब कुछ करें तो लगता है कुछ भी नहीं किया। अब ये यूं बता है यार क्या, अबे हुलिया बदल अपना, तेरी मम्मी जी देख लेंगी मसला हो जाएगा। अबे भाई चेंज कर और जल्दी से आजा किचन में, मैं किचन में तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आजा बस, मसला हो जाएगा समझ लेना, नहीं तो। हाँ क्या है? क्या आज 25 तारीख है?
मैं बस अभी चेक करता हूँ। हाँ हाँ रख रख रख। लड्डू बेटा यही लॉटरी तेरी आखिरी उम्मीद है। अगर ये 1 करोड़ की लॉटरी लग गई ना फिर मैं सबको बताऊंगा कि लड्डू चीज क्या है। आज का दिन ही मनमुसे लड्डू, सुबह से सब कुछ उल्टा हुआ जा रहा है। यार तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है यार, इतनी मुश्किल से पैसे जमा करके खरीदी थी। यार तूने भाभी को पैसे देके खरीदा था? हेलो भाभी की नहीं लॉटरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा यार माफ करना, वो तो अभी भाभी का मसला बता रहा था ना इसीलिए। हाँ वो मसला अपनी जगह है। यार मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? तुम भाभी को किसी तरीके से जलाओ। जलाऊं? अबे नहीं, पुलिस पकड़ के ले जाएगी मुझे। और वैसे भी ये काम सासों का होता है, शौहरों का नहीं होता। अबे बेवकूफ, जेलिस करो जेलिस। जेलिस? अगर जेलिस करने के लिए भी तो मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास है लेकिन थोड़ा खर्चा होगा। बस ये लॉटरी का टिकट ही बचा था, वो भी नाकारा हो गया। अब मेरे पास और कुछ नहीं है। अबे यार चल वो लॉटरी का टिकट ही दे दे। पक्का? घर पे रखा है, मैं भी लेकर आता हूँ। तू 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 जाना नहीं ओके? जाना नहीं। क्या हुआ, मुझे देर हो रही है? अरे बस आते ही होंगे, तुम अपनी लाइन याद करो ना अच्छे से। सुनो मैं तुमसे ज्यादा अच्छी एक्टर हूँ, मुझे अच्छे से लाइन याद है। बस तुम जल्दी करो, मुझे कहीं और भी जाना है। आ गए। हाँ बस रेडी, जैसे ही आते हैं बस फौरन शुरू हो जाना, ठीक है? हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत अच्छे लगते हो। देखो इतने सारे इंग्लैंड में रहने के बावजूद भी मैंने तुम्हें दिल से नहीं निकाला। हाँ वो लेकिन मैंने तो तुम्हें बताया ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। सुनो मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बन के रहने को भी तैयार हूँ। अब दूसरी बीवी? नहीं नहीं मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। अब लड्डू एक काम करो ना, जल्दी से मेरे कमरे में चाय पहुंचा दो, वो क्या है ना हम दोनों बहुत थक गए। और हाँ हमारे कमरे में भिजवा दो जल्दी से, इसके लिए भी चलो जानी जल्दी भिजवाना। हाँ हाँ जल्दी। हाँ हाँ तुमने देखा इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा बस करो मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम क्या मतलब? मेरा मतलब है तुमने देखा नहीं अब मेरा इस घर में कोई नहीं, मेरी बीवी भी मुझे छोड़ने वाली है। सुनो अब ये एक्टिंग खत्म करो, मैं चली। तुम कहाँ जा रही हो? बाय। बात तो सुनो, ऐसी जिंदगी से तो मेरा मरना ही अच्छा है। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। आजा आजा आजा। वैसे बेटा अगर 1-2 दिन रुक जाते तो बहुत अच्छा था। तो सर जी तुम्हें तो मैं देख लूंगा आराम से। अरे अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया था। वैसे होटल में बुकिंग तो मैंने करवा के रखी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम भाभी से कब मिल पा रहे हो? अच्छा क्या तुमने याद दिला दिया? अंकल आपने मेरी शादी में जरूर आना। वैसे आंटी और हनी को तो मैंने अपना प्लान बता दिया है, और आपको पता ही है मेरी तो कोई बहन है नहीं, हनी बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहन? भाई? लड्डू तू क्या क्या सोच रहा था? मैं 1 हफ्ते पहले आ जाऊंगा देख लेना। शुक्रिया अंकल। वैसे अंकल मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। भाई बाय बाय बाय। खुदा भी बेटा खुदा भी। भाई अरे भाई तैयारी करो शादी में चलने की। चलो 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 जाओ जाओ। बाय बाय।
भाई। अबे यार तुम्हारा जरा शरबत क्या पी लिया, तुम्हारा मुंह बन गया यार। नहीं नहीं सुसर जी, मैं ये सोच रहा था आज का दिन ही बुरा था। सुबह सुबह गाड़ी ठुक गई, हाँ, उसके बाद मेरी पिटाई हो गई, हाँ, बाद में मम्मी जी से डांट भी पड़ी, फिर जॉनी ने आके हनी का सदमा दे दिया, मेरा लॉटरी का टिकट भी नहीं निकला, और आखिर में खुदकुशी करने के लिए शरबत में जहर मिला के रखा, वो आपने पी। जहर, जहर, मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां के घर का मां, घर का मां के घर का मां।